जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खबर हम आपको सांबा से मौसम की बताने जा रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें कि कहां कहां पर इस समय जम्मू संभाग में बारिश हो रही है, क्योंकि सांबा की बात करें तो फाइनली सांबा में जो वो बारिश होना शुरू हो चुकी है और जोरदार बारिश इस समय हो रही है और लोगों को गर्मी से उमस से ये बारिश राहत देती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार उमस से लोग परेशान, गर्मी से परेशान। और जब भी बारिश आती है और जब बारिश थोड़ा सा समय लेती है तो हम भी आपको मौसम का हाल बताते हैं कि भाई मौसम जो है वो सुहावना हुआ है और कहीं ना कहीं बारिश जो है वो लोगों को काफी राहत पहुंचाती है गर्मी से। लेकिन हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि कई जगहों पर बिजली के कट हो रहे हैं, बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही और ये बारिश जब आती है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनको बिजली को लेकर दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए ये बारिश जो है ये वरदान साबित होती है। हालांकि बारिश के नुकसान भी काफी ज्यादा होते हैं, जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो काफी जोरदार बारिश होने के बाद इलाके प्रभावित होते हैं, नदी नाले उफान पर आते हैं। लेकिन सांबा के लोग इंतजार कर रहे थे, बड़े दिनों से इंतजार कर रहा, हालांकि बीच बीच में बारिश होती है लेकिन उस बारिश को लेकर बात करें तो कोई ज्यादा समय नहीं रहती है और फिर वही उमस, फिर वही गर्मी। लेकिन फाइनली जोरदार बारिश इस समय सांबा में हो रही है। मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो आपको हरियाली जो दिखाई दे रही है, इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है और काफी मौसम सुहावना हुआ है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि जब बारिश आती है तो आप लोग भी जो है अलग अलग तरह की डिशेज बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह से बारिशों के दिन होते हैं, कोई मालपूड़े खाता है, कोई पकौड़े बनाता है घर पे चाय के साथ, अलग अलग व्यंजन जो वो आप लोग बनाते हैं। और जब बात वीकेंड की आती है तो वीकेंड में आपको पता है कि जब फैमिली सारी बैठी हो और अलग अलग डिशेज हो तो बारिश का मजा कुछ और हो जाता है। बारिश जो लोग इंतजार करते हैं बरसात के दिनों में कि बारिश आएगी और इस मौसम का पूरा इंजॉय करेंगे, सुहावना मौसम है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें कि कहां कहां पर बारिश हो रही है। और उसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बारिश के साथ जो इलाके प्रभावित होते हैं तो वो भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वो बताएं कि आपके इलाकों में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस तरह की कोई अपडेट होती है तो जब हमारे पास आती है तो वो अपडेट हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इलाके प्रभावित हो रहे हैं, यहां पर कोई फौरी तौर पर मदद दी जाए। लेकिन हवाएं चल रही हैं, बारिश आ रही है और मौसम को जो है काफी सुहावना कर दिया है, मौसम का मिजाज बदल चुका है। हम देखिए छाता लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाएं भी चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। और अब मैं आपको मौसम की सही से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां से आपको पूरा अपडेट करूंगा। ये देखिए अगर आप ऊपर आसमान में नजर लगाएंगे तो आपको काफी सुहावने मौसम को लेकर जो है अच्छा लगेगा, इस मौसम को देखकर। बरसात जो लगातार लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सांबा में अगर देखें तो बारिश जो वो खुलकर नहीं हो रही थी और आसपास के इलाकों में काफी तेज बारिश थी। लेकिन वाकई में महादेव का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है कि आज बारिश जो वो फाइनली जोरदार सांबा में शुरू हुई है। और हम भी जो है वो एक जगह पर रुककर आपको ये अपडेट दे रहे हैं बारिश का। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखेंगे हरियाली किस तरह से यहाँ पर आज बादल बरस रहे हैं, मौसम को काफी सुहावना किया है, मौसम काफी कूल अब हो चुका है। और यहां से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां हम रुककर जो यहीं से आपको अपडेट देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि काफी तेज बारिश है और बारिश में आपको रिपोर्ट करना हमें भी कई बारी जो है वो मुश्किल भरा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरे दृश्य दिखाने की कि किस तरह से बारिश जो वो आज बरस रही है और लोगों को काफी इंतजार था, मच अवेटेड बारिश आप कह सकते हैं कि सांबा के लिए, स्पेशली सांबा की मैं बात कर रहा हूं। और सांबा में जब आप आते हैं, खासतौर पर जब बारिश का मौसम हो और सांबा के डिशेस ट्राई ना करें वो भी मजा नहीं आता। सांबा के पल्ले यानी जिनको आप गुलगुले कहते हैं, वो रिपोर्ट भी हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। तो सांबा में जब आप आते हैं तो इस तरह की डिशेस आप जरूर खाएं, लेकिन आप लोग आज अपने परिवार के साथ इस मौसम को एंजॉय करें, परिवार के साथ बैठें, अलग अलग डिशेस ट्राई करें और ये जरूर बताएं कि बारिश कहाँ कहाँ पे हो रही है। लेकिन सांबा में तो आज बारिश है और पिछले दिनों में सांबा के लोग ये कह रहे थे कि न जाने हमने कौन से पाप कर दिए कि हमें बारिश ही नसीब नहीं हो रही, हमें उमस से गर्मी से जो वो सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हर बरसात में, हर गर्मी में जो वो इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं कि जीना बेहाल हो जाता है, लेकिन जब बारिश आती है
तो काफी मौसम सुहावना कर जाती है, लेकिन बारिश के नुकसान आपको पता है, जब अब इस तरह की बारिश में दूरदराज के इलाकों की अपडेट आती है और हमने आपको अलग अलग नदी नालों को लेकर जो वो अपडेट किया किस तरह से उफान पर आते हैं, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, कई इलाकों में रास्ते चौक हो जाते हैं, कई इलाकों में गाड़ियां फंस जाती हैं और इस तरह की कंडीशन बनती है दूरदराज इलाकों में। खासतौर पर सुंब ब्लॉक की अगर बात करें, सुंब ब्लॉक काफी ज्यादा प्रभावित होता है, गाड़ियां फंस जाती हैं, गाड़ियां जब फंसती है फिर मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है गाड़ियों को निकालने के लिए, और लोग जो वो काफी परेशान भी होते हैं। यानी बारिश के नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं, लेकिन जब बड़ी देर से बारिश ना हो और फिर बारिश आए तो उसका मजा ही कुछ और है, मौसम सुहावना कर देती है बारिश, गर्मी से उमस से निजात मिलती है। देखिए हम भी जैसे सुबह निकलते हैं रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग इलाकों में, तो हमें भी काफी दिक्कत परेशानी आती है कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीना इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक ग्राउंड रिपोर्ट बताएं, हकीकत बताएं, खबरों की जो पूरी तफ्तीश रहती है वो हम आपके तक पहुंचाएं। तमाम ये चीजें हम कोशिश करते हैं कि आपको वक्त वक्त पर देते रहें ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि आपके आसपास के इलाकों में क्या कुछ घटनाक्रम है, क्या कुछ चल रहा है। बारिश की अपडेट मैं थोड़ी सी आपको जो दे रहा हूं, थोड़ी डिटेल लंबी हो रही है, लेकिन इस मौसम को लेकर बात करें तो इस मौसम को लेकर मैं यही कहूंगा कि वेदर कूल हुआ है, सुहावना हुआ है, लोग आज डिशेज अलग अलग खाने के लिए भी मजबूर होंगे। मैंने आपको बताया कि मालपुड़े आप जरूर आज खाएंगे, पकोड़े, चाय, इस तरह की चीजें डिशेज रहती हैं, और ये मौसम जो जिस तरह से काफी आज सुहावना हुआ है, उम्मीद करेंगे कि बारिश थोड़ा सा और समय जो वो बरसेगी और मौसम ठंडा जो वो होगा, और जिन इलाकों में बिजली की कटौती रहती है उन लोगों को भी आज काफी ज्यादा राहत ये बारिश देगी। लेकिन कमेंट जरूर करें कि कहां कहां पर बारिश हो रही है और बारिश का नुकसान कहां कहां पर हो रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि उसके ऊपर भी हम अमल करें। आपको हर सिचुएशन, हर ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको जो देने की कोशिश करते हैं उसके लिए आप अपना साथ हमें देते रहें, आपको तमाम जानकारी खबरों के हम देते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करें जेके मीडिया को हर खबर के लिए। तो ये मौसम का मिजाज आज बदला है, मौसम ने करवट ली है और जोरदार बारिश जो है वो लगातार चल रही है। बारिश की स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है लेकिन फिर भी काफी तेज बारिश अभी भी जारी है। कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस बारिश को, इस मौसम को एंजॉय करो सांबा वालों, और बाकी वाले भी जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके इलाकों में बारिश हो रही है वो भी इस बारिश का खूब मजा लें, खूब एंजॉय करें और अलग अलग डिशेज जो वो खाएं अपने परिवार के साथ। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।